हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रेकी के द्वारा आप अपने थर्ड आई चक्र को कैसे जागृत कर सकते हैं। तो थर्ड आई होता है हमारा इंट्यूशन का, पावर का। ये हमें जीवन में सम्मान दिलाता है, तभी हम यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो आपने देखा होगा, जो पहले टीका लगाते थे वो होता था सम्मान करने का, इंट्यूशन को इंक्रीज़ करने का तरीका। बट वो क्योंकि हम अनकॉन्शियसली करते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो जो हमारी वीडियोग्राफर है, मैं उनका थर्ड आई चक्रा चेक करती हूँ। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम थर्ड आई चक्रा वो कर सकते हैं। तो थर्ड आई चक्रा को मैं देख रही हूँ। तो देखिए, ये जो घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो इसका मतलब थर्ड आई चक्रा, द सीट ऑफ इंट्यूशन, आज्ञा चक्र, शिव नेत्र भी हम इसे कहते हैं, ये बहुत एक्टिवेटेड है। और इसको हम और इंक्रीज़ किया जा सकता है इसको, और क्योंकि इसकी संभावनाएं अनंत हैं, जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं थर्ड आई चक्रा की। थर्ड आई का मतलब क्या? देखने वाली तीसरी आँख। तो तीसरी आँख से आप अपने अंदर भी देखते हैं, अपने बाहर भी देखते हैं। तो ये आपको विजन्स भी दिखाती है, क्लियर वॉइस भी क्रिएट कर सकती है। तो थर्ड आई चक्रा को जागृत करने का तरीका है कि आप यहाँ पे कम से कम 15 मिनट रेकी एनर्जी दें। जिन लोगों को रेकी एनर्जी दी जाती है यहाँ पे थर्ड चक्रा पे, वो क्लियर वॉइस डेवलप कर देती है, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स को भी ये दूर कर देती है। तो थर्ड आई चक्रा को जागृत करने के लिए 15 मिनट रोज़ आपने एनर्जी देनी है अपने थर्ड आई चक्रा पे। एक और आप एक्सरसाइज रोज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी उंगली है, तो अगर हम उंगली को एक तक देखते रहते हैं और इसको धीरे धीरे अपने पास लाते हैं, इससे आपकी आंखें भी अच्छी होती हैं और आप अपने थर्ड आई चक्रा को भी बहुत ज़्यादा जागृत कर रहे हैं। तो इस तरह से करने से आपका थर्ड आई चक्रा जागृत हो जाता है। थर्ड आई चक्रा को जागृत करने के लिए अर्ली मॉर्निंग सन की तरफ गेजिंग, सन गेजिंग इन द अर्ली मॉर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे आपकी क्लियर वॉइस, आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत डेवलप होती है। आप अपनी इंटरनल पावर से कनेक्ट हो जाते हैं। जो जानवर होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो अपनी इस इंट्यूशन पावर से ही अपने जब ठंड होती है तो हज़ारों मील ट्रैवल करके वो ऐसी जगह आ जाते हैं जो गर्म होती है ठंड में, और जब गर्मी होती है तो वहाँ वो ट्रैवल कर लेते हैं इंट्यूशन पावर की बदौलत। तो अगर आपको अपना इंट्यूटिव पावर डेवलप करना है तो आप रेकी अवश्य सीखें। आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करें 9811142249। थैंक यू, बाय बाय।